नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले में स्थित माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान बन चुका है, जहां अनुभवी व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा स्त्री रोगों का सफल इलाज किया जा रहा है। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर विगत 3.5 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है, जहां बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से भी मरीज इलाज करवाने बिलासपुर पहुंचते हैं। इस दौरान माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने कई निसंतान दंपतियों को अपने बेहतर इलाज से संतान सुख देकर उनके जीवन को खुशियों से भरा है। यहाँ दूरबीन पद्धति से विभिन्न प्रकार के मरीजों का सफल ऑपरेशन कर इलाज किया जाता है। आपको बता दें कि निसंतान दंपति अक्सर जानकारी के अभाव में सही इलाज नहीं करवा पाते, जिससे पैसे और समय दोनों का नुकसान होता है। आइए जानते हैं कि निसंतान दंपतियों को आखिर किस प्रकार की समस्याएं होती है और उनका सही इलाज क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश माखीजा, डायरेक्टर माखीजा टेस्ट ट्यूब सेंटर। हमारा अस्पताल विगत 3.5 साल से निसंतान दंपतियों के लिए कार्य कर रहा है। हमारे सेंटर में निसंतान दंपतियों से संबंधित संपूर्ण जाँच और इलाज की सुविधा है। जो निसंतान दंपति है वैसा सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी ही इलाज की एकमात्र पद्धति है, यह गलत अवधारणा है। सर्वप्रथम निसंतान दंपत्ति आने पर उनकी संपूर्ण जांच होती है, उसके आधार पर हमको पता चलता है कारण कि क्या कारण है निसंतानता का, उसके आधार पर इलाज होता है। इलाज के अन्य माध्यम जैसे दवाइयों के माध्यम से इलाज, IUI के माध्यम से इलाज, लेप्रोहिस्टोस्कोपी दूरबीन पद्धति द्वारा बहुत सारी बच्चादानी से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है, जैसे बच्चादानी में गठान, बच्चादानी में पॉलिप होना, बच्चादानी में दीवार होना, उसको हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी के माध्यम से निकाला जाता है। उसके बाद भी बहुत सारे निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। हमारे सेंटर में सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं, दूसरे राज्यों से भी मरीज आते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। और माखीजा टेस्ट ट्यूब सेंटर बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ मध्य भारत में निसंतान दंपतियों का इलाज कर रहा है। निसंतानता का इलाज महंगा है, इसलिए आपका अच्छे सेंटर का चयन करना बहुत जरूरी है। दूरबीन पद्धति द्वारा इलाज कराने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इसमें हॉस्पिटल का जो स्टे होता है, जो हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, कम समय रुकना पड़ता है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान और बाद में जो मरीज को दर्द होता है कम होता है, ऑपरेशन के दौरान रक्तस्राव कम होता है, और ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन होता है, वुंड इन्फेक्शन, वो भी बहुत कम होता है। बिलासपुर से मनहरण बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाजर।